अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो यार जिस भाई ने मिर्ज़ा व्लॉग गैंग को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर ले, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दे। तो यार मैं छत पे आ गया हूँ, मैंने अपनी डक्स को खोल दिया, यहाँ पर खुली है, मेरे पास कुछ घास है, ये मैं इनके लिए लेके आया हूँ। इसको खोल लेते हैं, कुछ इनको डाल देते हैं, बाकी दूसरे परिंदों को डाल देंगे। कुछ उठा लेता हूँ, ये यहाँ डाल देता हूँ, ये खा लेंगे, बाकी कुछ उठा के अपने इन खरगोशों को डाल देते हैं। लो भाई लो खा लो। तो यार खिला देते हैं, सारे खा लेंगे, बाकी यार इनको दाना वगैरह डालता हूँ बाकी परिंदों को। तो यार एक गुड न्यूज़ है, हमारी डक्स ने अंडे दे दिए, आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी मैंने जैसे आगे इनको खोला, इन्होंने दो अंडे दिए हुए, देखो ये बहुत गंदे हुए हैं क्योंकि ये पिंजरा गंदा हुआ है, मैं ना इनको सुबह खोल के नहीं जाता इसलिए। बाकी कुछ घास यार हम मुर्गियों को भी डाल देते हैं, इसमें से उठा लेता हूँ कुछ, बाकी ये डाल देते हैं हम अपनी मुर्गियों को। ये अंदर डाल देते हैं इनको, A few minutes later। दोस्तों इंशाल्लाह आज या कल ये कंप्लीट हो जाएगा, ये देख सकते हो यहाँ पे ऊपर भी इंशाल्लाह कल लग जाएगी, और बाकी यहाँ भी जल्दी यहाँ ऊपर भी लगवाते हैं, और ये और सामने भी कुछ लगवाते हैं ताकि हम अपने डक्स को इसमें रख दें, क्योंकि ना ये वहाँ पर तो ठीक नहीं है, एडजस्ट नहीं कर सकेंगे, इन्होंने बाकी भी अंडे देने हैं। जैसे इनके अंडे पूरे होंगे इनको यहाँ पर ना सामने वॉल लगा देंगे, यहाँ पर कोई इनका यहाँ पर ईंटें लगा के इसमें इनके अंडे रख देंगे, ये बैठ जाएंगे। पता नहीं किसने दिए अंडे इन दोनों में से, ये दो फीमेल हैं एक मेल है। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं सारे परिंदे दाना वगैरह खा रहे हैं, ये रैबिट्स भी खा रहे हैं, ऊपर से बजरी भी आए हुए हैं, बाकी इनको दाना वगैरह भी डाल देते हैं क्योंकि ये भी डालना ज़रूरी है, क्योंकि ये ना मुर्गी वगैरह ने इतना नहीं खाती है, इसलिए इनको दाना वगैरह डाल देते हैं, ना मोर इतना खाते, इसलिए एक में ये डाल देते हैं और दूसरे में भी ये डाल देते हैं। तीसरे में हम डालते हैं सिंपल वाला, जो है ये बजरी के लिए जो मैं लेके आता हूँ, ये वाला, ये हम रख देते हैं यहीं पे, और बाकी कुछ गंदम है वो भी इसी में मिला देते हैं, इसमें मिला देते हैं थोड़ी सी, कुछ इसमें भी मिला देते हैं। बाकी ये तो बड़े शौक से खा रहे हैं घास, और ये नीचे तोते भी आए हुए हैं दूसरे बड़े वाले कॉकटेल, इसमें भी डाल देते हैं, और इनकी भी ये खाली हुई है। यहाँ पर डाल, बाकी दोस्तों देख सकते हैं सब परिंदे दाना खा रहे हैं और सारे खुश हैं, मोर भी खा रहे हैं, बाकी सारे खुश हैं, पेट भर के खा रहे हैं। बाकी यार इंशाल्लाह और परिंदे वगैरह भी मैं लेके आऊँगा, आप लोग सब्सक्राइब तो करते नहीं, अगर मेरे 100 सब्सक्राइबर हो गए ना तो मैं और ज़्यादा परिंदे लेके आऊँगा, बहुत सारे सामने पिंजरे भी बनवाएंगे हम प्रॉपर, और वहाँ पर और भी रखेंगे, डक्स भी और लेके आएंगे और बाकी रैबिट्स भी और लेके आएंगे। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। दोस्तों इसमें मैंने दाना वगैरह डाल लिया, एक हम मुर्गे को डाल देते हैं और एक ऊपर कबूतरों को, ये डाल दिया इनको, और अब एक रख देते हैं हम ऊपर इनको कबूतरों को, यार पता नहीं क्या मसला, लड़ते बहुत हैं ये, देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये मैं सादा बाजरा लाया था क्योंकि ये सादा बाजरा शौक से खाती हैं डक्स, इनका भी घास में पेड़ नहीं भरता इसलिए इनके लिए ये लाना पड़ता है, ये दूसरा बाजरा नहीं खाती, ये शौक से खाती हैं, देखें अभी कैसे आएंगी खाने लग जाएंगे। मैं पीछे हो जाता हूँ,
बाकी यार इंशाल्लाह जब ये यहाँ पर कबूतर रखेंगे ना, ऊपर तो हैं ये मुर्गियों का जब अलग घर बन जाएगा, यहाँ पर जो अंदर से कबूतर रखेंगे बाकी उनके उनको भी खोला करेंगे, इनको भी जैसे ये सामने बैठे हैं, ये मेरे नेबर्स के हैं और बहुत प्यारे हैं कबूतर, ये ना हमें खुले ही रहते हैं पूरा दिन। हमारे भी इंशाल्लाह एक दिन खोलेंगे, लेकिन अभी वक्त के साथ पहले इनके मुर्गियों के लिए अलग घर बन जाए ताकि इकट्ठे खोलेंगे, सारे परिंदे वगैरह खोला करेंगे, यहाँ से डक्स भी खुल जाएंगे, रैबिट्स, मुर्गियाँ, हर चीज़ खोला करेंगे। ये देखो खुश हैं यार। अब मैं सोच रहा हूँ कि इनको उठा लूँ अंडों को, यहीं पर पड़े रहने दो, क्योंकि एक ना ऐसे लग रहा है ख़राब हो गया। ये देखें, एक वाइट है ये और ये ना ब्लू ब्लू सा हुआ हुआ है, ऐसे लग रहा है कि ये एक दो दिन पहले दिया था और मुझे पता नहीं चला, ये यहाँ पर पड़े थे नुक्कड़ में, मैंने अभी आके देखा तो ये उठाया। अभी मैं फ़िलहाल उठा के रख लेता हूँ, क्योंकि अभी इनका ये ना घर है ना इन्होंने यहाँ पर बैठना, जहाँ पर बैठना है ना वहाँ सामने इनका घर बन जाए, इनको वहीं पर बिठाएंगे। आगे दोस्तों सब परिंदों को मैंने दाना वगैरह डाल दिया, ये मोर भी बहुत खुश है यार, पहले है ना एक्टिव नहीं लग रहे थे लेकिन अब फुल एक्टिव है, खाना वगैरह भी खा रहे हैं, बाकी सब परिंदे खाना खा रहे हैं। और ये हमारा छोटा चूजा भी यार, ये काबू ही नहीं आता है इतना, ये देखें चूजा पकड़ लिया, देखें कितना खूबसूरत प्यार है कितना, ये ना काबू नहीं आता, एक दफ़ा छूट गया ना हाथ में ही नहीं आता है, इसका ना नाम रख देते हैं, इसका नाम रखते हैं छुटकू, कितना प्यारा नाम है, आप लोग कमेंट में बताना अच्छा नाम है या चेंज कर दें इसका नाम, मुझे तो बहुत अच्छा लगा इसका नाम। बाकी यार मोर मोर भी बहुत खूबसूरत है, बाकी इंशाल्लाह और परिंदे भी लेके आने हैं। और एक और भी खुशखबरी है, ये यहाँ पर ना अंदर एक जा रही है तोती, अंदर जा रही है, अल्लाह करे यार दे दे अंडे, बाकी ये बड़े तोते तो नहीं जा रहे अंदर कॉकटेल वगैरह, ये यहाँ पर बैठे रहते हैं अंदर, ये जाते नहीं हैं। A few minutes later. ठंड हो गई यार, वही ठंड हो गई है। आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगेगा यहाँ पर मैं व्लॉग को एंड कर रहा हूँ, लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।